बिजनेस एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक एग्रीकल्चर बिजनेस प्लान के बारे में कुछ टॉप 10 टिप्स बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको टीकवुड ट्री फार्मिंग यानी कि सागवान की खेती यानी कि टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ सागवान प्लांटेशन, अगर आप सागवान की खेती करना चाहते हैं तो पहले आपको सागवान की खेती से रिलेटेड 10 चौंका देने वाले फायदे जान लेना चाहिए। अगर आपके पास एक एकड़ जमीन, अच्छी पानी के व्यवस्था की जमीन है तो यकीन कीजिए सागवान की खेती करके आप महज 10 साल में करोड़पति हो सकते हैं। जी हां, पूरे 100% गारंटी के साथ आप करोड़पति हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 60-70% आबादी की आजीविका का साधन खेती है। फिर भी आज किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं देश के सामने चिंता का विषय बना है। जैसे तैसे किसान खेती से अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर पा रहा है। आए दिन बिगड़ते हुए मौसम के वजह से खेती से मुनाफा हर साल लेना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बीमारी, इन बड़े खर्चों के लिए कर्जा लेना, बस यही उपाय किसान के पास रहता है। कर्जा न मिलने पर या लिया हुआ कर्जा न चुकाने पर खेती बेचने की नौबत किसान पर आती है। ऐसे हालातों में मेहनत की बना पर बड़े मुनाफे की खेती बड़े खर्चों के लिए तथा भविष्य की चिंता मिटाने के लिए करना आवश्यक है। पहले के जमाने में हर किसान की जमीन के बांधों पर कोई न कोई बड़ा पेड़ होता था। कठिन प्रसंगों में इन्हीं पेड़ों को काटकर बेचकर किसान मुश्किलों का हल निकाला करता था। लेकिन पेड़ों की बेशुमार कटाई से और काटे हुए पेड़ों के जगह नए पौधे न लगाने के कारण ही किसान आज बेहद बुरी हालात से गुजर रहा है। इस समस्या का बेहतरीन उपाय सागवान की खेती के रूप में सामने आया है। आइए जान लेते हैं सागवान की खेती के 10 चौंका देने वाले फायदे। भारत के किसी भी प्रकार के मिट्टी में बढ़ने की क्षमता। सागवान के पौधों में हिमालय छोड़ के भारत के किसी भी कोने में बढ़ने की क्षमता है। पानी का अच्छा निस्सारण होने वाली काली, लाल, पीली, सफेद, थोड़ी पथरीली, ऐसे किसी भी तरह की मिट्टी में सागवान अच्छे तरह विकसित होता है। बस सागवान पौधा लगाते समय और पहले 3 साल पानी और खाद सही मात्रा में देना आवश्यक है। 10 सेकंड 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी वृद्धि। उत्तर हिमालय को छोड़ पूरे भारत देश में पूरे साल औसतम तापमान 10 सेकंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। 10 सेकंड 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में सागवान की अच्छी वृद्धि होती है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में सागवान की खेती के लिए अच्छा मौसम उपलब्ध है। शुरुआत के 3 साल ही देखभाल की जरूरत पड़ती है। सागवान की खेती में पहले 3 साल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 1 सेकंड 1.5 फीट ऊंचे पौधे लगाकर सागवान की खेती का आरंभ होता है। इन पौधों को शुरुआती दिनों में पानी की आवश्यकता एवं तेज हवा से बचाने हेतु दूसरी सूखी लकड़ी के आधार की आवश्यकता होती है। जानवर इस पेड़ के पत्ते नहीं खाते, लेकिन छोटी आयु में जानवरों से पौधा टूटने का नुकसान हो सकता है। इन छोटी चीजों का ध्यान पहले 3 साल के दौरान रखना बहुत जरूरी होता है। पानी की कम लागत, लो वाटर रिक्वायरमेंट। बड़े मुनाफे वाली फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी अधिक मात्रा में लगता है। सागवान की बात करें तो सागवान पौधे बोने के बाद पहले 6 महीने हर हफ्ते पानी देना आवश्यक होता है। अगर हम जून महीने के शुरुआत में पौधे लगाए और बारिश अच्छी हो रही है तो पानी देने की जरूरत नहीं होगी। 6 महीने बाद 15 दिन के अंतराल से और बाद में जरूरत होने पर महीने के अंतराल से आवश्यक मात्रा में पानी देना आवश्यक होता है। अगर आप ठिबक सिंचन प्रणाली का वापर करते हैं तो पानी की 80% बचत कर पाएंगे। 3 साल के बाद पानी की विशेष आवश्यकता होने पर पानी देना जरूरी होता है। इस तरह सागवान खेती में बाकी फसलों से पानी की अत्यंत कम आवश्यकता होती है तथा पानी का अंतराल अधिक होने पर नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। पहले 2 साल इंटरक्रॉपिंग करके मुनाफा। सागवान की खेती में पहले 2 साल हम इंटरक्रॉपिंग करके मुनाफा ले सकते हैं। विशेष तौर पर लौकी, करेला, ककड़ी जैसे वेल वर्गीय फसलें सागवान की खेती में अच्छा उत्पादन देती है। किसान पहले 2 साल इंटरक्रॉपिंग करके रोज के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर सकता है। बढ़ते सागवान के टहनियों को छाट के आने वाला डबल मुनाफा। सागवान की पहले साल में अच्छी खासी ऊंचाई बती है। 1 साल बाद पेड़ की चौड़ाई बढ़ना शुरू होता है। पेड़ के विकास के साथ उसकी टहनियों का विकास होता है। लंबे सरल लकड़ी हेतु टहनियों का छाटना आवश्यक होता है। ऊंचे लंबे और चौड़े लकड़ी को अच्छा दाम मिलता है। छाटी हुई टहनियां ईंधन हेतु मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा होता है। सागवान के सूखे पत्तों के इस्तेमाल से मुनाफा। सागवान वर्षा वनों में शामिल वृक्ष है जिसकी पत्तियां साल में 2 बार झड़कर नई पत्तियां आती है। झड़ी हुई पत्तियां इस्तेमाल करके शादी पार्टियों में भोजन या नाश्ता परोसने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली यूज एंड थ्रो प्लेट्स बनाई जाती है।
इसके लिए आपको प्लेट्स बनाने की प्रेस मशीन खरीदनी होगी जिसकी मार्केट कीमत लगभग 30 से 40 हजार रुपये है। यह व्यवसाय खेत में जाया जाने वाली पत्तियां कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके हर साल बड़ा मुनाफा देता है। यूज एंड थ्रो प्लेट्स की मार्केट में पूरे साल बहुत डिमांड रहती है। बिना कोई खास मार्केटिंग किए आसानी से नज़दीकी मार्केट में बेची जाती है। टिश्यू कल्चर सागवान से महज 10 साल में करोड़ अपती। टिश्यू कल्चर सागवान वैज्ञानिक प्रयोगों से तैयार की हुई सागवान प्रजाति है। महज 10 साल में काटने लायक लकड़ी टिश्यू कल्चर सागवान प्रजाति से मिलती है। सागवान की बाकी प्रजातियों में काटने लायक लकड़ी मिलने के लिए 20 सालों तक इंतजार करना पड़ता है। यह सागवान प्रजाति एक साल में 15 सेकंड 18 फीट बती है। 10 सालों में इस प्रजाति के एक वृक्ष से 15 सेकंड 18 घन फीट लकड़ी मिलती है। सागवान की लकड़ी से बने प्रोडक्ट बेचकर कई गुना बड़ा मुनाफा। सागवान की लकड़ी काटने के बाद सीधा मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं। अगर आप लकड़ी काटने के बाद सीधा मार्केट में बेचने के बजाय उसके फर्नीचर प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो आप अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। समय के साथ साथ बढ़ता डिमांड और मुनाफा। हम हमारे बड़े खर्चे निपटने के लिए बैंक या और वित्तीय संस्था में निवेश करते हैं। आमतौर पर निवेश राशि की वृद्धि अच्छे मार्केट रेट से तो होती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के रेट के वजह से उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती। सागवान खेती की बात करें तो सागवान लकड़ी की डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ती ही जाएगी, लेकिन लकड़ी की उपलब्धता कम होती जा रही है। इस कारण सागवान लकड़ी के दाम भविष्य में बढ़ते ही जाएंगे। आपके कल्पना के परे सागवान लकड़ी के दाम आसमान को छुएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सागवान की खेती समय के साथ साथ बढ़ता मार्केट रेट और मुनाफा 100% दिलाएगी, ये बताने के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सागवान की खेती के 10 चौंका देने वाले फायदे बताए हैं।